7 जुलाई को होगा मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। मोदी मंत्रिमंडल में 17 से 22 मंत्री ले सकते हैं शपथ। दिल्ली में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.7 बताई गई। CBSE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए किया नई स्कीम का ऐलान। साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी परीक्षाएं। सरकार बनाम ट्विटर वॉर अब भी जारी। IT नियम ना मानने पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने काम और वादे पूरे करने की दी जानकारी। इस पर पूर्व CM रमन सिंह ने साधा निशाना, कहा झूठ का दूसरा नाम कांग्रेस। अनिश्चितताओं के बीच नेपाल में मध्यावधि चुनाव करने की घोषणा। 15 से 30 जुलाई के बीच हो सकेंगे पार्टी के रजिस्ट्रेशन। चीनी सेना का श्रीलंका पर कब्जा करने की साजिश। हबनटोटा में एक प्राचीन तालाब खोदते आए नजर। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मुक्केबाज मैरी कॉम और हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह होंगे ध्वजवाहक। 23 जुलाई से शुरू होंगे ओलंपिक, 8 अगस्त को किया जाएगा समापन। माना पटेल ने ओलंपिक क्वालिफाई कर रचा इतिहास। ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की तीसरी तैराक और पहली महिला खिलाड़ी बनी। करीना कपूर के कजिन जहान कपूर करेंगे डेब्यू। हंसल मेहता के अगले प्रोजेक्ट में देंगे दिखाई।